Subscribe and click the bell icon for all the television updates. आई थिंक बहुत चेंजेस होते हैं आफ्टर मैरिज, बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स अडेप्ट करने होते हैं, एंड आई थिंक यू बिकम वेरी कम्पोज एंड लाइक यू नो वो टिपिकल वाइफ का एटीट्यूड के घर पे ये करना है वो करना है घर कैसे डेकोरेट करना है, सो आई थिंक यू जस्ट गेट इन्वॉल्व विद द हाउस अ लॉट मोर एंड यू वर्क वेरी हार्ड इन द हाउस फुल डे, सो आई कैन फील दैट. नहीं, डेफिनेटली करती है शीना, क्योंकि अभी मैं जब से शूट में बिजी हुआ हूँ तो सारे की सारी जिम्मेदारी इसी पे है. मॉम डैड भी अभी फिलहाल यहाँ पर है, बट ये उनका पूरा वो कहते हैं ना हाथ बटाती है और सारी चीज़ें. मैं सुबह जाता हूँ तो ब्रेकफास्ट तैयार करके देना, कभी कभी तो आज तो लंच भी तैयार करके इसने दिया. या ये इसकी फेवरेट सब्जी है, इसको बहुत अच्छी बनानी आती है. सारी बना सारी सब्जियां. ये एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि शीना वुड बी सच अ ग्रेट हाउसवाइफ आल्सो, लेकिन बहुत बहुत ही मेहनती है एंड शी इज वेरी केयरिंग. अच्छा शीना, शादी के अगर मैं बात करूं फोटोज तो सबके सामने आए थे, और पहली शादी जैसे लग रहा था कोई दिवाली शादी, हम अपने सामने देख रहे हैं. हमने फर्स्ट को डिसाइड किया था कि 20 तारीख को शादी करते हैं, 21 को. ये हमारा बहुत ही लास्ट मिनट सडन प्लान था. सी वी वर वेटिंग फॉर 6 इयर्स टू गेट मैरिड बिकॉज ही सेड यू टेक योर टाइम, आई डिडंट वांट एनी टाइम, बट स्टिल सो आई थिंक मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, इससे ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं थी. नहीं बट प्लानिंग ऑब्वियसली शीना की प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी उस सारी प्लानिंग के अंदर, बिकॉज शादी जयपुर में हो रही थी तो वो सारी प्लानिंग में एक्चुअली मैं लगा हुआ था. शूट से भी मैं जब पोरस कर रहा था शूट से भी सारे कोऑर्डिनेशन सब मेरे थे. कुछ डिपार्टमेंट्स हमने बांट लिए थे, लाइक शीना का डिपार्टमेंट था ड्रेस एंड आउटफिट्स मेकअप और सारी चीज़ें, मेरा डिपार्टमेंट था वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी देना पूरा और सब लोगों को लाइक रुकवाना से लेकर और क्या खाना होगा क्या थीम होगी वो सारी चीज़ें. सो शीना चाहो तो मुझे क्रेडिट दे सकती हो बिकॉज जो टीम हमने रखी थी एक्चुअली उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और हम लोगों को बहुत अच्छे से सरप्राइज किया. अच्छा BCL की बात करूँ तो आप दोनों की जोड़ी साथ नजर आने वाली अलग टीम को सपोर्ट क्या करने वाले? आई थिंक रोहित नजर आने वाले BCL में एंड आई एम गोना बी सपोर्टिंग हिम एंड दैट्स अबाउट इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम विन. आई एम प्लेइंग फ्रॉम बैंगलोर वॉरियर्स और पिछले साल का BCL में नहीं खेल पाया था, उसके पहले के 3 BCLs मैंने खेले थे तो बहुत एक्साइटेड हैं. हमारी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग प्रेप कर रहे हैं तो अब फाइनली टाइम है जब परफॉर्म करने का और बस देखने का कि सब कैसे अंडर प्रेशर से उसको ले पाते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट कि टीम बहुत अच्छी बनी है एंड सब लोग जो है वो जीतने के लिए खेल रहे हैं. सो वी वेरी एक्साइटेड, आई लव क्रिकेट सो वो टाइम भी मैं मैनेज कर रहा हूँ फूड से. अच्छा, आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं शीना, आप कितनी ज़्यादा एंजॉय करती हैं वैसे रियल लाइफ में? क्या मैच देखना? आई थिंक आई एंजॉय बीइंग इन द मैच, लाइक व्हेन आई एम वॉचिंग इट लाइव दैट्स व्हाट आई लव, बट ऑन टीवी आई डोंट really watch so much, but I really like him play and he's very hard working and when he comes ghar pe aata hai to Rohit ki aisi halat hoti hai, so I know ki kitna cricket khela, he's so tired, then I pamper my husband with good food and फैंस को यही मैसेज देना चाहेंगे जो हर बार उनको देते हैं, जितना प्यार वो हम लोगों से करते हैं वो प्यार हमको और इनक्रेज करता है अच्छा काम करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, और बहुत बहुत ब्लेस्ड फीलिंग होती है जब वो लोग इतने सारे मैसेजेस इतने सारा प्यार हमको भेजते हैं. सो वी फील दैट वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमको इतने अच्छे लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं और उनकी वजह से हम लोगों का काम भी बहुत अच्छा होता है और लाइक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब इतना प्यार मिलता है तो. या जो रोहित ने बोला सब वही, एंड आई ऑलवेज फील द लव फ्रॉम माई फैंस एंड दे कीप कम्युनिकेटिंग एंड वी स्टे इन टच ऑल द टाइम थ्रू सोशल मीडिया, सो आई थिंक दे गिव देयर रिस्पॉन्सेज एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन दे गिव सो मच लव.